साहिबो हम गुनहगार हो के अच्छों की मजलिस में नहीं जाते। ये वो लोग हैं जिनके बारे में अल्लाह ने कहा रज़ी अल्लाह अन्हु व रज़ू अन्हु, ये राजी राजी बरज़ा लोग हैं। और बड़े बड़े लोगों की जिंदगियों को मैंने पढ़ा तो हर नेक आदमी नेक होने के बावजूद एक नेक की बारगाह में जाके बैठा करता था। हज़रत सैयदना शेख अबू सालेह उमर अब्दुल्ला नसर रहमतुल्लाह अलैह, इतने बड़े ऊंचे पाए के वली होने के बावजूद भी हज़रत शेख सैयदना शेख मुहियुद्दीन अबू नसर रहमतुल्लाह अलैह, इतने बड़े वली होने के बावजूद भी वो किसकी बारगाह में जाके बैठते थे? हज़रत सैयदना शेख अबू सालेह अब्दुल्ला नसर रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में जाके बैठते थे। हज़रत शेख अब्दुल्ला अबू सालेह नसर रहमतुल्लाह अलैह, इतने बड़े वली होने के बावजूद भी वो हज़रत शेख सैयदना शेख अब्दुल रज़ाक रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में जाके बैठते थे। हज़रत शेख अब्दुल रज़ाक रहमतुल्लाह अलैह, इतने बड़े वली होने के बावजूद भी वो गौसे पाक शेख अब्दुल क़ादर जिलानी की बारगाह में जाके बैठा करते थे। शेख अब्दुल क़ादर जिलानी इतने बड़े बुजुर्ग होने के बावजूद भी वो हज़रत शेख अबू सईद मुबारक मखज़ूमी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में जाके बैठते थे। हज़रत शेख अबू सईद मखज़ूमी रहमतुल्लाह अलैह, इतने बड़े वली होने के बावजूद भी हज़रत सैयदना शेख अबुल हसन अली हंकारी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में जाके बैठते। अली हंकारी इतने बड़े वली होने के बावजूद भी मोहम्मद यूसुफ अबुल फराह तरतूसी की बारगाह में जाके बैठते थे। तरतूसी इतने बड़े वली होने के बावजूद भी अब्दुल वाहिद तमीमी की बारगाह में जाके बैठते थे। अब्दुल वाहिद तमीमी इतने बड़े वली होने के बावजूद भी शेख अबू बकर शिबली की बारगाह में जाके बैठते थे। शेख अबू बकर शिबली इतने बड़े वली होने के बावजूद भी जुनेद बगदादी की बारगाह में जाके बैठते थे। जुनेद बगदादी इतने बड़े वली होने के बावजूद भी श्री सकती की बारगाह में जाके बैठते थे। श्री सकती इतने बड़े वली होने के बावजूद भी मारूफ करखी की बारगाह में जाके बैठते थे। मारूफ करखी इतने बड़े वली होने के बावजूद भी वो हजरत इमाम अली रजा की बारगाह में जाके बैठते थे। इमाम अली रजा इतने बड़े वली होने के बावजूद भी इमाम मूसा काजिम की बारगाह में जाके बैठते थे। इमाम मूसा काजिम इतने बड़े वली होने के बावजूद भी इमाम जाफर सादिक की बारगाह में जाके बैठते थे। इमाम जाफर सादिक इतने बड़े वली होने के बावजूद भी इमाम बाकर की बारगाह में जाके बैठते थे। इमाम बाकर इतने बड़े वली होने के बावजूद भी इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बारगाह में जाके बैठते थे। और ज़ैनुल आबिदीन इमाम हुसैन से तरबियत लिए, इमाम हुसैन मौला अली से तरबियत लिए, मौला अली ने मुस्तफा से तरबियत हासिल किया। तो हर बड़ा बड़े से जुड़ा हुआ है, हम छोटे होके बड़े से नहीं जुड़े। हर बड़ा बड़े से जुड़ा हुआ, हर बड़ा बड़े की बारगाह में जाके बैठा हुआ। हम किस खेत के मूली हैं कि ना मस्जिद के इमाम से हमारी मुलाकात, न मौजिद से हमारा कोई कॉन्टैक्ट है। जब ये जलसे जुलूस करके बुलाते हैं तो काम नहीं दोहराते। साहिबो मुझे और अल्लाह आपको तौफीक दे कि नेक मजलिसों में आकर बैठें और इस मजलिसों को जो ना अल्लाह आबाद करे।